ये अपना मिशन है, ये ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ये जो काम कर रहे हैं अपन पूरे भारत के 11 राज्यों में आज मूवमेंट चला रहे, सिर्फ किसी चीजों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर मूवमेंट चला रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा फर्ज है, मेरी होमलैंड है ये नागपुर, मैं देश के कोने में जाता हूं लेकिन मेरे नागपुर के बच्चों से मेरा मुलाकात है। कभी मैं मुलाकात करना चाहता हूं तो करने नहीं देते और कभी करना चाहता हूं तो मौका नहीं देता। इन्होंने क्या बोला हमारे आदमी को, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन ह्यूमन यानी पर्यायी मानव। अब ये क्या होता है मैं समझा रहा हूं, पर्यायी मानव का मतलब ये है आपका आदमी जिसके पास मजदूरी करने के लिए भी साधन नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, बच्चे को पालना है रहे हो। एक सर्वे आया जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका रिपोर्ट आया कि भारत का खून का ब्लड बैंक है। ये रगड़वार रक्त पिटी वगैरह ये सब धंधा कर रहे हैं, याद रखो सबसे ज्यादा खून देने वाला देश विश्व का डोनर बन गया कौन, भारत, भारत। और भारत में सबसे ज्यादा खून देने वाले कौन, भारत। अब ये देखने में आया, मैं बड़ा वैसे ही चकरा गया, मैं 12 महीने पहले की बात कर रहा हूं, मैं चकरा गया, मैं बोला यार सबसे ज्यादा खून देने वाला आदिवासी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने और थोड़ा अंदर गया तो मेरे को पता चला सबसे ज्यादा खून वो आदिवासी दे रहा है जिस क्षेत्र में वो पोषित है, यानी जहां भूख मरी, जहां खाने को नहीं मिल रहा वहां ब्लड कैसा दे रहा है। तब समझ में आया एक सच कि उसको काम नहीं है, जिंदा रहने के लिए अपना खून 800 रुपए में बेच रहा है, श्रम नहीं बेच रहा, श्रम अपनी मेहनत को नहीं बेच रहा, वो क्या बेचना पड़ रहा है उसको, क्योंकि श्रम के साधन ही नहीं है उसके पास, उसको काम ही नहीं मिल रहा है तो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा, वो खून बेच रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई आंखें बेच रहा है, कोई हार्ट बेच रहा है, कोई रीढ़ की हड्डी बेच रहा है। मंडला में आदिवासी बच्चों का बाजार होता है, अलीराजपुर में आदिवासी बच्चों का बाजार बनता है, झारखंड की आदिवासी लड़कियों को खरीद के बॉम्बे में लेके जाते हैं, वही उनके घर में रहती है, वो खाती है पीती है और उनको पैसे चले जाते हैं। ये वो कौन सा आदमी बन गया, यानी किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को आंखें होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को लड़की होना तो आदिवासी की ले ले, जमीन होना तो आदिवासी का ले ले, आरक्षण होना तो आदिवासी, यानी आदिवासी आदमी क्या बन गए, दूसरों को दूसरे मानवों को जिंदा रखने के लिए सब्स्टिट्यूट मानव है, दूसरे आदमी को जिंदा रखना है करके इसको जिंदा रखना। कैसे लग रहा है ये, पटना है ये बात, इसलिए आदिवासी बच्चों की मानव तस्करी हुई है, उनकी रिपोर्ट्स दे लिखी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, आदिवासी एरिया के बच्चे आज देखो कितने भी बच्चे तुम ढूंढोगे, जाओ मेरे घाट में जाओ इधर, इतने इतने बच्चों के रिपोर्ट्स नहीं लिख रहे, बच्चे क्या हो रहे हैं मानव तस्करी के तहत सप्लाई हो रहे हैं, यानी कल तुम्हारी बहन भाई को भी बेचा जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आप लोग वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में, यह परिस्थिति आप तक नहीं आई भाई लेकिन आ सकती है क्योंकि आप प्रतीक्षा सूची में, क्योंकि आप आदिवासी हो। एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में कैसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे देश में जिसको हम आदिवासी भारत बोलते हैं, गोंडवाना भारत बोलते हैं, भीलवाना भारत बोलते हैं, कोलवाना भारत बोलते हैं, ये जो भारत है आदिवासी भारत, वहां की सिचुएशन पे थोड़ा एक नजर मार लेते हैं। नेशनल एनी कोई भी देश, वो देश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं संसाधन,
वो संसाधन पर उस देश की कोई भी देश, एवरी कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एट योर लैंड, उसके लैंड में जो रिसोर्सेज मौजूद है उसी के आधार पे उस देश की इकोनॉमी चलती है, उस देश का निजाम चलता है। तो हमारे देश की इकोनॉमिक आई क्यों बोल चलती है थोड़ा देखिए भाई। सबसे पहला एनर्जी, हमारे देश की इकोनॉमिक आई पे डिपेंड है एनर्जी। दूसरा पावर, पावर यानी भी ऊर्जा होता है, लेकिन इसको अच्छे शब्दों में क्या बोलेंगे आप? शक्ति, ताकत। मैं इसको रख देता हूं, तुम सोचते हो
आदिवासी। और ये 67% जमीन की वजह से वो झगड़ा हुआ था जो 1989 में हुआ था, 1889 में हुआ था। बिरसा मुंडा के साथ मैंने जो ना ये एग्रीमेंट कर लिया था कि यस यू आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, और 1898 में वो कानून बनाया गया, कौन सा कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, फर्स्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया है, जिसमें लिखा हुआ था आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। यानी कंप्लीट ओनरशिप, भारत आजाद तभी हुआ, संस्कृति के आधार पर अगर भारत का बंटवारा होता तो भारत का ये जो भाग होता आदिवासी भारत होता, लेकिन ये संस्कृति के आधार पर नहीं हुआ भाई, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो गया, यानी धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया और आदिवासी के हिस्से में ठेंगा आया, हमारी सांस्कृतिक मांग को ही दबा दिए इन्होंने। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत का सेंसस बोल रहा है, 1921 में जो जमीन का सेंसस आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का 67% जमीन थी जो वो ट्राइबल लैंड की थी। पांचवी अनुसूची का क्षेत्र था, सोशल फॉरेस्टी के नाम पे आदिवासी की जमीन ले ली है, जंगल सरकारी कर दिए इन्होंने, टाटा की संपत्ति थी प्राइवेट संपत्ति, आदिवासी की संपत्ति सरकारी संपत्ति, इसलिए आदिवासियों का उस वक्त नारा लगा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ऐसी बात थी। हम लोग तो आजाद तभी हुए, मैं किसी और दिन कैडर में बताऊंगा कि वास्तविकता में आजादी का इतिहास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी बुक है, इस पर अभी बस 6 महीने में निकलेगी। मैंने पहली बार इतनी हिम्मत करके 11 साल में इसका रिसर्च करके ये काम किया, और वो बुक हम सब लोग एकेडमिकली पढ़ाएंगे। हम बोल रहे मैं भारत किसी के बाप का नहीं आदिवासी हूं, वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिजिनियस पीपल, वी आर द ओनर ऑफ इंडिया, हम इस देश के मालिक हैं। ये बात को साबित करने के लिए हम लोग आपको मंच दिया। ये देखिए, ये जो राज्य है ना भाई, इस राज्य की हालत क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको पूरी जवाबदारी से ये बात बताना चाह रहा हूं मेरे भैया कि सच्चाई क्या है। भारत की 100% आर्मी है, भारत की 100% आर्मी जिसको बोलते उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई, सीआरपीएफ भी आ गई, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जितने सैनिक है भारत की 100% सैनिकों का जो सैनिक है उसका 63% सैनिक कहां पर आ गए, आदिवासी भारत में। जो सैनिक बॉर्डर पे रहते थे, चाइना के बॉर्डर पे होना था, पाकिस्तान के बॉर्डर पे होना था, श्रीलंका के बॉर्डर पे होना था, वो सैनिक आदिवासी क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये सवाल खड़ा हो गया। भारत सरकार ने भारत की जितनी आर्मी है उसकी 60% से ज्यादा आर्मी आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है। अब आदिवासी क्षेत्रों में जो जंगल के क्षेत्र है जहां खनिज है वो क्षेत्रों में अभी पुलिस चौकी नहीं लगती भाई, यानी पैरामिलिट्री फोर्स की चौकी लगती है, पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट करने जा सकते हो, सीआरपीएफ ऑफिस के कैंप में कंप्लेंट हो सकती है क्या, बात तो सिर्फ लड़ाई की भाषा है। यानी आदिवासियों का मुकाबला बंदूकों से खड़ा कर दिया गया, और जितना आदिवासी भारत था उसमें इन्होंने 67% आर्मी घुसन दी कि ये गवर्नमेंट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहती, चाइना से नहीं लड़ना चाहती, नेपाल से श्रीलंका से नहीं लड़ना चाहती, केवल आदिवासियों से लड़ना चाहती, क्योंकि आदिवासियों के पास क्या क्या है, क्या बोलते हैं, और ये सिविल वॉर भारत सरकार के बीच, हिंदू भारत और आदिवासी भारत के बीच का सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर किसके बीच में चल रहा है, हिंदू भारत और आदिवासी भारत के बीच। ये सिविल वॉर है, इट इज वर्ल्ड की सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आर्मी का काम है लड़ाई करना, अबे आर्मी के लोग AK-47 लेकर आदिवासी क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछिए। बंदूकों से किनके साथ डील किया जाता है, दुश्मन के साथ,
ये सरकार नंगे भूखे भूखे आदिवासी जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके साथ ये बंदूकों से डील कर रही है। तो ये दोस्तों जैसा व्यवहार करिए या दुश्मनों जैसा व्यवहार। नागपुर में जिस आतंकवादी को फांसी मिली थी, क्या नाम है उसका? मेमन, याकूब मेमन, याकूब मेमन को जहां फांसी मिली थी ना, उसके घर में उसकी फोटो गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बात किए, रात भर फैसले चले, रात में फांसी दी गई और उसकी बॉडी उसके परिवार के लोगों को दे दी गई। अबे आदिवासी क्षेत्रों में 16-16 साल की लड़कियों को नक्सलाइट बोल के मारते हैं, उनकी बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं आता है, उनकी बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं परसों के दिन मंडप में बच्चों से पूछा, क्या बात है आदिवासियों की 16 साल की लड़की 18 साल की लड़की बंदूक लेके लड़ रही है, मामला क्या है? क्या मुसलमान की लड़की मर रही है, हिंदू की लड़की मर रही है बंदूक लेके? आदिवासी लड़की क्यों बंदूक उठाई है? इस बात का जवाब अपने को होना चाहिए। ये बीमारी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या कारण है आदिवासियों की बच्ची 18 साल की लड़की जिसने अपनी जवानी की दहेज भी नहीं देखी, वो लड़की ने बंदूक पकड़ ली? अपने आप में एक सिविल वॉर है। ये सिविल वॉर आदिवासी भारत और हिंदू भारत के बीच का हो गया। ये दुश्मन जैसे डील कर रहे हैं, ये मुसलमान को भी दुश्मन नहीं मान रहे, ये दलितों को भी दुश्मन नहीं मानते, लेकिन आदिवासियों को सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे, क्योंकि इनका इनकी नजर काय के ऊपर है? आदिवासियों के जमीन पर, जंगल पर, जल जमीन और जंगल, मिनरल, गोल्ड, पावर, एनर्जी, एटमोस्फियर, क्योंकि इनको क्या लाना है? इसलिए भारत सरकार ने, वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट है भारत जो दलाली कर रही है। इन्होंने क्या बनाया है आदिवासियों का? दुनिया के दूसरे देश क्या बनाते हैं? पैसे का बैंक बनाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने क्या बनाई? और ये लैंड बैंक किसकी जमीन की? और ये इंटरनेशनल कंपनियों को बेच रही, यानी सरकार ही आदिवासियों की जमीन की दलाली कर रही। और ये जो मैं सिनेरियो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को डीबीटी समझाना था, तुम सिनेरियो में इसलिए बता रहा हूं आपको डीबीटी, ये हारे मुतरे लोगों की बस की बात नहीं है डीबीटी के खिलाफ में लड़ने। मैं ऐसे शब्द इसलिए वापर रहा हूं क्योंकि आपको उनको देखने का अंदाज बदल दो, इनके कपड़ों पर विश्वास मत करो, इनके पद पर विश्वास मत करो, क्योंकि यही लोगों ने धोखा दिया है। जब डीबीटी का इशू विधानसभा में डिस्कस हो रहा था तब आदिवासी आमदार मौजूद थे, उन्होंने साइन दिए उसका, वो विद्यार्थी भी रह चुके हैं। डीबीटी का इशू ऐसा इशू नहीं है, मैं बताऊंगा डीबीटी तो सो नहीं पाओगे तुम, और मैं बता के जाऊंगा, प्रैक्टिकल बता के जाऊंगा, आप लोग उसको चेक कर ले। देखिए ये क्या बन गया अभी देश में, क्या चल रहा है? सेल वॉर। इसको क्या बोलते हैं? सरकार आरएसएस। अब ये गंभीर बात है कि नहीं? अगर मेरे को मैंने तुमसे पूछा भैया आदिवासी के क्षेत्र में आप लोग पुलिस चौकी लगा दो ना यार, मिलिट्री की चौकी लगाने की जरूरत क्या है? मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गरीब आदमी कहां था? वर्ल्ड का। और उसकी डेली की इनकम कितनी है मालूम है? 35 पैसे, 1 रुपए 35 पैसे। अबे 1 रुपए 35 पैसे में कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहां से लाएगा वो? क्या सबसे गरीब आदमी कहां पर? काला आंटी। काला आंटी किसका क्षेत्र है? कौन सा आदिवासी? कोया आदिवासी। ये गोल्ड प्रधान से भी प्योर है, मारिया से भी प्योर है, इसके बाद ही होंगे जो अंडमान निकोबार में है जिनकी जनसंख्या अभी सिर्फ 35 है। कितने बचे हैं? गवर्नमेंट शेर को बचाने की स्कीम लगा रही है। ये भारत के आदिवासियों का पहला वंशज होंगे आदिवासी। ये भील
बिलाला हल्बी कोरकू मारिया ये बात के ये पहले ये असुर जनजाति के लोग हैं होंगे वो जनरेशन के सिर्फ कितने लोग बचे हैं 35 मैं आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं पावर यानी क्या है विश्वास हो गया है बकरे ने कसाई को ही अपना भगवान मान लिया बकरे ने क्या कर लिया कसाई को ही भगवान मान लिया पूरी समझ में मैं कभी अपने कर्मचारी अधिकारियों को बोलो इस तरीके से सोचो इस एंगल से सोचो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझो सिविल वॉर होना एक तरफ और दूसरी तरफ हम लोग इंजॉय कर रहे हमारे भाई लोग मर रहे मैंने क्वेश्चन पूछा भाई ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारे समाज के 18 साल की लड़की बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गई और मिलिट्री वाले उसको उड़ा रहे साले और उड़ाने के बाद उसके पैर पे लात मारते हैं मुंडते हैं उसके ऊपर और उसे याद करते और बाजा बजा के इंजॉय करते हैं और हमारा होता है हमारा खासदार कुछ नहीं करता है हमारा मिनिस्टर उसको क्वेश्चंस भी नहीं बनाता है कि 18 साल की लड़की नेक्स्ट लाइफ नहीं है तुम्हारी मां बहन खून बेच रही है तुम्हारी मां बहन किडनी बेच रही है छुप छुप के अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं ये प्रॉब्लम्स को देखो ना तुम ये इतने भयानक प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि इससे तुम भाग नहीं सकते इन प्रॉब्लम का जवाब कौन देगा इस समाज का चालक पालक और मालक कौन है प्रचार करने वाले लोग तुम्हारे वचन करने वाले हैं कोई हल नहीं कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहा है यहाँ पे कर्मचारियों का मोर्चा होता है तो आदिवासी विद्यार्थी सामने रहते वचन का मोर्चा होता है तो आदिवासी विद्यार्थी सामने रहते यहाँ बोगस का मोर्चा होता है तो आदिवासी विद्यार्थी सामने रहते लेकिन आदिवासी विद्यार्थियों का इश्यू है तो कोई कर्मचारी सामने नहीं आता क्यों नहीं आ रहा क्या कारण है क्या रीजन हो सकता है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके बच्चे को कोई जरूरत नहीं है उसके बच्चे का संबंध डीबीडी से नहीं है वो तुमको अपने आप से अलग समझता है तुमको इस्तेमाल करने की वस्तु समझ रहा है शहर में रहने वाला जो कर्मचारी है वो तुम्हारा दुश्मन है शहर में रहने वाला जो अधिकारी है वो तुमसे बहमा नहीं कर रहा है वो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता साथ नहीं। वो तुम्हारे बातों को लेकर सीरियस नहीं है तुम यहां इसलिए आए तुम्हारे माँ बाप की ताकत नहीं थी करके तुम हॉस्टल में आए ये लोग हॉस्टल से पढ़े हैं लेकिन हॉस्टल की जिंदगी के साथ में अपने सामाजिक जीवन के साथ में ईमानदार नहीं दलितों के साथ इसलिए नहीं हुआ डीबीटी क्योंकि उनके कर्मचारी खड़े हो जाते हैं खुल के आ जाते हैं सामने उस विद्यार्थी का प्रश्न रहता है लेकिन मोर्चे कर्मचारी लोग निकालते हैं ये समाज है इसको सामाजिकता बोलते हैं इसको बोलते हैं सामाजिकता समाज तीन आधार होते हैं समाज के समाज का सबसे पहला आधार होता है विचार उसका दूसरा आधार होता है संस्कृति तीसरा मुख्य आधार होता है अधिकार और इसी के बेस में बनता है जिसको बोलते हैं आप साले वाले समाज गोंड को मालूम नहीं है उसका प्रधान से क्या रिश्ता है गोंड और प्रधान को मालूम नहीं है उसका भिन्न से क्या रिश्ता है हल्ली से क्या रिश्ता है हल्ली को नहीं मालूम उसका गोंड से क्या रिश्ता है इसको समाज बोलते कह रहे भाई तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी एक है तुम्हारा डीएनए एक है तुम्हारी संस्कृति एक है तुम्हारा वंश भी एक है तुम्हारे अधिकार भी एक है तुम्हारी हालात भी एक जैसी दुख भी एक जैसा शोषण भी एक जैसा तो समाज भी क्यों नहीं है भाई एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं इस देश का मुसलमान अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है और कुरान शरीफ देके बोलता है बेटा इसमें तेरे जीने और मरने के रास्ते हैं इसको लेके चल उस समाज के
मिशनरी स्कूल चलते उस समाज के लोग मदरसे ले जाते 5 साल के बच्चे, उस समाज के लोग जीने मरने वाले लोग हैं, उस समाज के मस्जिदें चलते हैं, उनके स्कूल, उनका कचरा बेचने वाला आदमी भी समाज के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मुस्लिम समाज का इस देश में वजूद है। दूसरा ले लो दलित समाज के बारे में, जिनको पानी नहीं पिला देते लोग आज, उस समय आज उस देश में शासन करके जमात बनने की तरफ जा रही है, उनके उनके गोद भी आज चलते हैं, उनके लोग भिक्खू बन गए हैं समाज के लिए, लड़कियां भिक्खू बन गई हैं, उनके स्कूल चलते, कॉलेजेस चलते हैं, उनके मिशन चलते हैं, उनका समाज का मिशन चलता है, इसलिए इस देश में उनका अस्तित्व है। क्रिश्चियन मुट्ठी भर लोग है, आधे से ज्यादा 50% क्रिश्चियन तो आदिवासी है भारत, वो क्रिश्चियन लोग जिनके पास कुछ नहीं है, 10 साल की लड़की भी नन बन जाती है, अपने समाज के लिए चलाते हैं। क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, एक बुद्धिस्ट आदमी बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। उधर आगे बढ़ते हिंदू आदमी अपने बच्चे के हाथ में महाभारत देता है, नहीं सकता है। बड़े बड़े मंदिरों से और मठ से उनको पैसा जाता है, इंटरनेशनल लेवल की मूवमेंट चला रहे हो, इसलिए उस समाज का वजूद है। आपके बच्चे ने, आपके भाई ने, आपके बच्चे ने आने क्या है, हम कौन है इस देश में, हमारा वजूद क्या है, हमारा कल्चरल रिलेशन क्या है, हमारे आपस में बंधुत्व कैसे है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हमको जाना कौन से रास्ते से है, कौन सी किताब उसके हाथ में दोगे बताइए, कौन सी किताब दोगे अपने बच्चे के हाथ में, अपने भाई के हाथ में बताइए, कौन सी किताब है तुम्हारे पास। तो काय का समाज, संगठन है, गोंड का अलग है, भील का अलग है, प्रधान का अलग है, नया साले इसी में चलाते हैं, वो व्हाट्सएप में मूवमेंट चल रही है। और समाज जिंदा तभी रहता है जब उसके बाद दो चीजें होती है। समाज जिंदा कौन सी चीजों में रहता है, पहला एक होता है लक्ष्य और दूसरा एक मिशनरी आदमी के पास क्या होता है, दो चीजें होती है, पहला ये लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में एक चीज होती है जिसका नाम है, और ये मिशन समाज को देता है बंधुत्व को, बंधुत्व काय को जिंदा रखते हैं, विचार काय का नेतृत्व करते हैं, और वो विचार काय का नेतृत्व करते हैं, और ये संस्कृति और अधिकार ही समाज का क्या होता है, बेस होता है। जिस समाज के पास संस्कृति नहीं होती है, जिस समाज के पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट टीपीटी तुम्हारे अधिकारों पर अटैक है, अधिकार खत्म तो क्या खत्म, इनडायरेक्टली क्या खत्म, मैटर खत्म। अब मैं डीपीटी की छोटी सी स्टोरी बता, अपन बाद में भी ले सकते। मैं ये जातिवादी सोच, व्यक्तिवादी, संगठनवादी, ये सब चीजों से मैं बाहर निकल के जीना चाहता हूं। मेरा लाइफ इतना सस्ता नहीं है कि किसी एक जगह जाके खड़े रहे और एक डोब में मर जाए। मैं स्वतंत्र रह के पूरे समाज में जाना चाहता हूं, मेरे समाज का आखिरी हिस्सा भी देखना चाहता हूं, ऐसी मौत मैं मरना चाहता हूं। और इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे भारत के ही नहीं, विश्व के आदिवासियों तक के पहुंचने की कोशिश करूं और एक ऐसा मिशन चलाओ जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं और फिर डीबीटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर संस्कृति के नाम पे बंटवारा होता, बिरसा मुंडा का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके हिसाब से भारत का बंटवारा होता तो आदिवासी भारत बन जाता, गोंडवाना भारत बन जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। बनाए धर्म, ये धर्म के आधार पे बंटवारे की कंसेप्ट किसने लाया, आरएसएस ने लाई, जिस दिन अंग्रेजों ने पास किए 1898 में, उसी दिन उसके तीसरे दिन में इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की और वहीं से आरएसएस बना। आरएसएस केवल और केवल आदिवासियों को खत्म करने के लिए इस देश में बना, आदिवासी भारत नहीं हिंदू भारत बनना चाहिए, इसलिए आरएसएस का गठन हुआ। आरएसएस की मुख्य भूमिका जो है आदिवासियों के खिलाफ में खड़ी हुई है आरएसएस, और अंग्रेज बोल रहे थे कि ये जो भारत है वो किसका है, तो ये चीज को वो माने नहीं।
ये देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से धर्म के लोगों की है? दूसरे नंबर की पॉपुलेशन कौन से धर्म? तीसरे नंबर की पॉपुलेशन कौन से धर्म के लोगों की है? चौथे नंबर की पॉपुलेशन कौन से धर्म के लोगों की है? और अलग रिलीजन। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर मोर देन 45%, ये वो, और ये एक ही चीज को मानते हैं, यानी विश्व में 45% लोगों ने संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। मानने वाले लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते वो कौन है? मैं इनके पास जाऊंगा, हमको दो चीजें पे काम करना है, हमारा मिशन दो चीजों पे करना है, समाज का पहला मुद्दा राष्ट्रीयकरण, दूसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीयकरण। क्या करना है पहला, और फिर बाद में क्या करना है? एक मुसलमान को कुछ होता है तो पूरे विश्व, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर इंडिया क्यों घबराई हुई है? क्योंकि उसको यूनाइटेड नेशंस को जवाब देना है, और यूनाइटेड नेशंस का 62% कर्ज किसके ऊपर है? अगर भारत यूनाइटेड नेशंस की नहीं मानेगा तो भारत का खाना बंद हो जाएगा, और यूनाइटेड नेशंस में पूरे मुस्लिम देश के जो लोग हैं वो बाबरी मस्जिद के इशू पर समर्थन करते हैं, भारत के मुसलमान, यानी मुस्लिम जो राष्ट्र है ये अंतरराष्ट्रीय समाज है, मुस्लिम जो है ये अंतरराष्ट्रीय समाज बन गया है, क्रिश्चियन अंतरराष्ट्रीय समाज है, बौद्धिस्ट अंतरराष्ट्रीय समाज है, लेकिन आदिवासी अंतरराष्ट्रीय समाज नहीं है ना भाई, हमारा तो वही नहीं, मोदी प्रधान से नहीं मिला अभी तक तो साले अमेरिका कैसे जाएंगे, वो तो घर के पास से नहीं मिला, हमारे ये वर्धा का गोंड वो फलाना अमरावती के प्रधान से नहीं मिला है, अमरावती का प्रधान यवतमाल के गोंड से नहीं मिला है, ये कोलाम गोंडर प्रधान हलवी से नहीं मिले, और ये चारों मिलके तीसरे पांचवे से नहीं मिले, तो इनका राष्ट्रीयकरण कैसा होगा? हो ही नहीं सकता है, अगर सामाजिकरण नहीं हुआ तो राष्ट्रीयकरण कैसा होगा? उसको तो समाज ही नहीं समझ रहा, उसको गोंड यानी समाज समझता है, प्रधान यानी समाज समझता है, कोल यानी समाज समझता है, हलवी यानी समाज। अबे तुम्हारा डीएनए एक है रे भाई, तुम्हारा ब्लड भी एक है, तुम्हारी संस्कृति भी एक है, तुम्हारा मूल भी एक है, तुम्हारी एंथ्रोपोलॉजी भी एक है रे मेरे बाबा, मैं लिखा हूं उसमें, तो तुम एक क्यों नहीं है? और यही बात यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ये बात का आरएसएस को मालूम है कि हॉस्टल में आदिवासी लड़के एक जगह आ जाते हैं, अलग अलग जनजाति के बच्चे एक जगह रहते हैं, इनमें आपसी भेदभाव नहीं रहता है, ये एक दूसरे को भाई मानते हैं, और ये एकता इनमें खतरे की नजर है, क्योंकि एक साथ होकर आंदोलन लड़ते हैं, और ये आंदोलन करते हैं करके ये समाज को, इस वर्ग को दबा दो, समाज का आंदोलन खत्म, समाज खत्म, आदिवासी विद्यार्थी खत्म, यानी आदिवासी समाज खत्म, कर्मचारी तो गांडू है आपका नेता पूरा गांडू है, मेरे शब्दों पर ध्यान रखो, बुरा नहीं मानने का, ये उपाधि दिया हूं मैं, भले मेरे को कुछ भी बोल, सच्चाई है ये, तुम्हारा अधिकारी कर्मचारी समाज के साथ में गद्दार है, मेरी नजर में बोगस आदिवासियों के समस्या से ज्यादा गद्दार आदिवासियों की समस्या है, बोगस आदिवासी की समस्या इसलिए है क्योंकि गद्दार आदिवासियों की समस्या होती है, बोगस आदिवासियों की समस्या नहीं होती, यही बात बिरसा मुंडा ने बोला था कि जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उस समाज की समस्या ही समस्या होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं, हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम आपस में बटे हुए हैं, हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम जातियों में बटे हुए हैं, संगठन में बटे हुए हैं, ये सब चीजें खत्म करना पड़ेगा तब जमेगा काम, तो सही बात तो कर,
समझ तो सही, बाद में निर्णय लेना लड़ता है या नहीं लेता है, चाहता है तेरे हमारे लिए। ये प्रवृत्ति के लोगों ने ही समाज को खोखला किया है, ये घातक है हमारे लिए। कल्चर को मानते हैं, और मेरे मैंने विश्व के सभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग और बाकी सब लोग बोलते हैं कि आज विश्व के आदिवासियों की संस्कृति भी समान है। अगर हम कल्चरल मूवमेंट, भारत के कोने कोने का आदिवासी एक हो जाएगा, हम कल्चरल मूवमेंट चलाएंगे तो विश्व का आदिवासी भी एक हो जाएगा। और भारत के आदिवासियों की जितनी संख्या है, अगर ये 45% लोगों से जोड़ दी जाए तो विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 52% अगर हो गई तो विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी हो जाएगी, तो पूरा आधा विश्व किनका हो जाएगा, तो हमारे सामने ना मुसलमान सर उठा पाएगा, ना बौद्धिस्ट स्तर पर उठा पाएगा, ना क्रिश्चियन स्तर पर उठा पाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समाज कौन है, ये विजन कौन चलाएगा, लोग होना, इसके लिए कमिटेड लोग होना। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा था, इंजीनियरिंग की सर्विस छोड़ के मैं ये काम कर रहा था। साले मेरे को पूछते थे ये बिरसा मुंडा कौन है, तेरा बाप है क्या, ये गोल्ड है क्या, हलवी है क्या, ऐसे सवाल खड़ा करते थे। लेकिन मेरे को आज फक्र है, मेरे 21 साल में मैंने एक चीज को देखा, भारत के ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को नहीं मानते और बिरसा मुंडा के विचारों को नहीं मानते। वो कामयाबी अपने विषय में, वो कामयाबी है। हमारे स्टूडेंट्स, जिन जिन लड़कों ने मिशन की सोच को